हाय, तो लास्ट क्लास जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो वेपर डेंसिटी पढ़े थे। उसमें एक फॉर्मूला आया था जो हम लोग रो इक्वल टू देखे थे, रो इक्वल टू PM/RT। तो हम लोग एक बार रिव्यू देखते हैं वेपर डेंसिटी का। ओके, वेपर डेंसिटी क्या था? वेपर डेंसिटी जो मैं डिफाइन किया था, वेपर डेंसिटी जो मैंने डिफाइन किया था, क्या था? वेपर डेंसिटी इक्वल टू जो लास्ट फॉर्मूला आया था कुछ ऐसा आया था, डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ H2 आया था। ओके, तो यार हमने यहां पे रिप्लेस कर दिया था, ध्यान दो, थोड़ा डेरिवेशन देखते हैं। ओके, पीवी इक्वल टू NRT। यहां पर P क्या है? प्रेशर। P क्या है? प्रेशर। और भी क्या बच्चा? वॉल्यूम। और N नंबर ऑफ मोल। और R गैस कांस्टेंट। और T तापमान, टेम्परेचर। एक तुम्हारा क्या हो गया? टेम्परेचर। कोई दिक्कत नहीं है? ओके, ध्यान दो, यहां से एक फॉर्मूले हम लोग बनाने वाले हैं। लास्ट क्लास जो हम लोग डिस्कस किए थे वेपर डेंसिटी डिस्कस किए थे ना, तुम लोग जो फॉर्मूला आया था इसके बाद वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या आता है? ध्यान दो, मॉलिक्यूलर मास बाय 2 आता है। वो कैसे आता है हम लोग प्रूफ देखते हैं, ठीक है? ओके, तो यहां पे तुम्हारा पीवी इक्वल टू NRT हो गया। NRT तो N को हम लोग क्या लिख सकते हैं? N इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं? W/m। W बोले तो गिवन वेट, M बोले तो मॉलर मास। तो पीवी इक्वल टू W/m हो गया इंटू RT हो गया। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट, अब यार ये P को इधर ले आओ, PM प्राइम मिनिस्टर, W/V/RT। अब यार गिवेन मास बाय W मतलब गिवेन मास बाय V क्या होता है? ये हो गया तुम्हारा डेंसिटी। ये क्या हो गया? डेंसिटी। ओके, तो PM इक्वल टू क्या आ गया? रो RT। और यहां से रो इक्वल टू आ गया PM/RT जो मैंने बताया था कि इसको मैं प्रूव करूंगा। ओके, अब यार रो इक्वल टू PM/RT आ गया, तो रो ध्यान दो, रो इक्वल टू PM m ऑफ एनी गैस बाय RT। और दूसरा रो ऑफ H2 इक्वल टू क्या ले लोगे? PM ऑफ एनी गैस बाय H2, H2 को मास लो RT। ओके, अब वेपर डेंसिटी डिफाइन कैसे है? दोनों का रेशियो है, तो दोनों का रेशियो जब हम लेंगे तो PM ऑफ एनी गैस बाय RT और PM ऑफ H2 बाय RT, RT क्या होगा? कट जाएगा, PP कट गया, तो M ऑफ एनी गैस बाय M ऑफ H2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है? M बोले तो मोलर मास। यहां से तुम्हारा M ऑफ एनी गैस मॉलिकुलर वेट ऑफ गैस आ जाएगा, जो भी गैसेस लोगे तुम, बाय M ऑफ H2 मॉलिकुलर मास कितना होगा? 2। इससे तुम्हारा क्या फॉर्मूला आया था वेपर डेंसिटी का। कोई दिक्कत नहीं ना? ये यूनिट लेस क्वांटिटी ध्यान रखना, यूनिट लेस क्वांटिटी। अब समझ आ गया कैसे है? कोई दिक्कत? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ सवाल इसमें इंपॉर्टेंट। यार इसमें तीन टाइप का सवाल बनता है, जो लास्ट क्लास हम लोग दो टाइप का सवाल देख चुके हैं, फिर भी एक एक सवाल देख लेते हैं। ओके, तो टाइप 1 सवाल जो था बहुत सिंपल था। अगर मान लो तुम्हें दे दिया वेपर डेंसिटी ऑफ O2, बस इतना ही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं करना यार। वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या करोगे? मॉलिक्यूलर वेट बाय 2 करना है। O2 का मास कितना होता है? 32 बाय 2 कितना आ गया? 16 आ गया। अब यार टाइप 2 का जो सवाल होगा वो क्या होगा? मान लो तुम्हें बोल दिया वेपर डेंसिटी ऑफ मीथेन विथ रेस्पेक्ट टू हीलियम, तो क्या करोगे? वेपर डेंसिटी क्या आएगा? यहां से जो तो तुम्हारा आने वाला है, कुछ नहीं करना यार। अब यहां हीलियम का रिस्पेक्ट में पूछ लिया और ये हम लोग हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हो गया निकालते हैं, तो यहां पे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मीथेन बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीलियम कर देना है, ठीक है? तो 16/4 क्या आ गया तुम्हारा? आ जाएगा ये 4 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट एक सवाल इसमें बना लो। मान लो दे दिया वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 विथ रेस्पेक्ट टू मिथेन,
एक ध्यान दो, लास्ट लेक्चर में भी होगा ये सवाल। तो यहां से पेपर में क्या आ गया, मास ऑफ SO2 बाय मास ऑफ CH4। यार 64 बाय 16 क्या आ गया, 4 आ गया। ये तुम्हारा टाइप 2 का सवाल हो गया। अब टाइप 3 का सवाल आते हैं, जो तुम्हें यहां टाइप 3 का जो सवाल मिलने वाला है ये इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग लास्ट क्लास लेके थे, यहां तक तो पढ़े ही गए। ओके तो ध्यान दो टाइप 3 क्या है, हमें बोल दिया वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ 3 मोल O2 एंड 2 मोल N2। मान लिया इसका बोल दिया। तो सबसे पहले सवाल को बनाने के लिए, ये सवाल समझ आ रहा ना, इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए तुम एवरेज मोलर मास निकाल लो, जो कल हम लोग फॉर्मूला सीखे है लास्ट क्लास। ओके तो एवरेज मोलर मास कैसे निकालते हैं मिक्सर का, याद है फॉर्मूला सिखाया गया M1N1 भूल गए ना, M2N2 बाय N1 प्लस N2। यहां से एवरेज मोलर मास तुम्हारा क्या आ गया, एवरेज मोलर मास आ जाएगा, मास कितना था ऑक्सीजन का 32 और 3 × 28 × 2 बाय 3 + 2 तुम्हारा 96 + 56 बाय 5 और यहां से तुम्हारा 152 बाय 5 कितना गया 30.4। वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या हो गया, एवरेज मोलर मास बाय 2, तो 30.4 बाय 2 कितना आंसर हो गया 15.2 हो गया। चमका ना, ओके चल छाप। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा काफी काम का आता है। ठीक है, एलिमेंट इन कंपाउंड या इन मॉलिक्यूल, इन कंपाउंड या मॉलिक्यूल, ठीक है ओके। कोई कंपाउंड दिया हुआ है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, उसमें कार्बन का क्या परसेंटेज है, बायोवेट हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो सिंपली ध्यान दो कैसे इसको निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट, जो भी एलिमेंट इस कंपाउंड में होगा क्या लिखे ऊपर, मास ऑफ एलिमेंट्स इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट ओके बाय टोटल मास, मतलब मोलर मास ले लो या टोटल मास ले लो ठीक है ना, या फिर मोलर मास भी ले सकते हो, इनटू 100 ग्राम में, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये तुम्हारा फर्क लग गया। सबसे सिंपल एग्जांपल है, मान लेते हैं मीथेन का CH4 का, और यहां में निकालना है परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो क्या हो जाएगा कार्बन का परसेंटेज, ये ऊपर क्या लिखा, मास ऑफ एलिमेंट कार्बन, एक कितने कार्बन है, एक है तो 1 × 1। टोटल मास ऑफ CH4 कितना हो गया, टोटल मास कितना हो गया CH4 का 16 × 100 कितना आ गया, सॉल्व करने वाला 75%। अब यार परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा बच्चा, हाइड्रोजन कितना है, एक है, तो तुम्हारा 4 × एक हाइड्रोजन का एक मास हुआ × 4 बाय टोटल मास 16 × 100 25%, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट एग्जाम्पल ध्यान दो, तुम्हें कंपाउंड दिया हुआ है C6H12O6, बहुत फेवरेट प्रोडक्ट है बता ना, ओके इसमें निकालना है फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन C6H12O6 में बोला है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ट्राई कर लो। अब ध्यान दो, सबसे पहले इसका टोटल मास निकाल लो, इसका मास क्या होता है, मास तुम्हारा क्या हो जाएगा, मोलर मास कार्बन का मास हो जाएगा 6 × 12 + 12 × 1 + 6 × 16, इसको सॉल्व करने के बाद 180 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन तो ऊपर क्या लेंगे, कार्बन का कितने कार्बन है 6, ध्यान दो कार्बन का मास 12 × कितना नंबर ऑफ कार्बन है
सिक्स 180 टोटल मास इंटू 100, ठीक है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कितना बॉस 1 × 12 / 180 × 100, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मास 16 × 6 / 180 × 100, तो आपका आंसर क्या आ गया, यहां सॉल्व करने के बाद एक जीरो चल जाएगा, फिर ये हमारा 3 × 4, ये 40% आ गया बॉस, ये 6.66% आ गया और 53.33% आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन निकालना हो गया, ठीक है ना बॉस, ओके कोई दिक्कत नहीं, चलो इस पे सवाल बनाते हैं। चल चाप नेक्स्ट सवाल, मिनिमम मोलर मास, मास ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड इफ इफ कंपाउंड्स कंटेन्स कंटेन्स 5% सोडियम, ओके सिंपल सवाल है। अगर कुछ कंपाउंड है 5% सोडियम है तो उसका मिनिमम मॉलिक्यूलर मास क्या हुआ, तो यार सवाल तो मिनिमम मॉलिक्यूलर 5% सोडियम है। अब एक बात बताओ कि कोई कंपाउंड में मिनिमम मोलर मास होने के लिए क्या होगा, सोडियम 1 होगा या 2 होगा या 4 होगा, कॉमन सेंस यार, एक सोडियम होगा तभी मिनिमम मोलर मास होगा, ठीक है ना, इसलिए हम लोग मान कर चलेंगे कि कितना सोडियम है उसमें, एक ही है, कोई भी कंपाउंड है एक्स वाई जेड है, कोई भी कंपाउंड मान लो सोडियम उसमें एक है, एक्स वाई जेड कुछ भी है, ये कंपाउंड हो गया, ओके इसका मान लो मोल मास कितना है, मॉलिक्यूलर मास एम है, कितना है एम, कोई दिक्कत नहीं, तो परसेंटेज ऑफ सोडियम हम लोग कैसे लिखेंगे, मास ऑफ सोडियम बाय टोटल मास एम, बाय टोटल मास, टोटल मास, टोटल मास लिखेंगे इंटू 100 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो सोडियम का मास कितना है, सोडियम मास ऑफ सोडियम, तुम्हारा सोडियम का मास एक सोडियम माने 23, टोटल मास कितना माने हम लोग एम, जिसे मोलर मास इंटू 100 और कितना परसेंट है 5, तो 5 इक्वल टू क्या आ गया 2300 बाय, यहां से तुम्हारा 460 ग्राम आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, कभी भी ऐसा सवाल है ना मिनिमम मोलर मास निकालना तो मान के हम लोग चलेंगे, क्या चलेंगे मान के उसमें कम है, जो जिसका परसेंटेज दिया हुआ है उसको क्या लेंगे, कम लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चल चाप नेक्स्ट टॉपिक आता है तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ओके क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें क्या बताता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल, एक्चुअल नंबर ऑफ कितना है, या एग्जैक्ट फॉर्मूला, ठीक है ना, ओके तो तुम्हारा ये क्या बताता है, एग्जैक्ट फॉर्मूला बताता है, कौन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इस फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा क्या हो गया, मान लो C6H6, तो ये तुम्हारा क्या हुआ बेंजीन हुआ, ये क्या हुआ तुम्हारा बेंजीन, एग्जैक्ट फॉर्मूला हो गया, ठीक है, जैसे मान लो CH4, ये तुम्हारा क्या हुआ मिथेनिक, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्चुअल हो गया। अब मान लो दे दिया C2 या SO2, क्या हो गया सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। C6H12O6 तुम्हारा क्या हो गया एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। चल छात्र नेक्स्ट तुम्हारा था एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला, तुम्हारा एम्पिरिकल फॉर्मूला सिंपली क्या बता रहा है, एम्पिरिकल फॉर्मूला इज ए केमिकल फॉर्मूला बस शोइंग द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल मान लो यार तुम्हारा C6 है और H6 है, तो यहां से 6 कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा CH, तो ये जो CH आए क्या हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ओके
नेक्स्ट मान लो हमारे यहां सी टू एच टू दे दिया, यहां से टू कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा सी एच हो जाएगा। ये भी क्या हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब यार यहां सबसे इंपॉर्टेंट देखने वाला चीज क्या है, यार दो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट हो सकता है बट एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा सेम। से मान लो सी सिक्स एच ट्वेल्व और सिक्स लिए, अब यहां से सिक्स आप कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा सी एच टू ओ टू हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला सिर्फ रेशियो बताता है, हम लोग इंटीजर कॉमन ले ले रहे हैं जितना कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। ओके कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो नेक्स्ट, एग्जांपल देखते हैं कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला का। बेंजीन, बेंजीन लो ठीक है ना, आप ना ग्लूकोज ले लो या फिर एथेन ले लो और फिर इथाइन ले लो। ओके बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है ये मॉलिक्यूल, और ग्लूकोज का C6H12O6 होता है, एथेन C2H4 होता है, इथाइन C2H2 होता है। ये तुम्हारा जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये क्या तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब यार मान लो यहां पे एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हुआ, इस सब का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हुआ, यहां कॉमन कितना आने वाला है, इसका कॉमन फैक्टर आपको सिक्स लग रहा है तो इसका एन का वैल्यू सिक्स हो गया, इसका कॉमन फैक्टर भी सिक्स लग रहा है, इसका टू लग रहा है, इसका टू लग रहा है, ये कॉमन आ गया। अब यार इसको कॉमन लेने के बाद क्या बन रहा है सी एच, ये क्या बन रहा है सी एच टू ओ टू, और ये तुम्हारा जो बन रहा है सी एच टू बन रहा है, और ये क्या बन रहा है सी एच। तो हम लोग क्या देख रहे हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला दो कंपाउंड का सेम आ सकता है, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होगा बट एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो रहा है, एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम तुम्हारा आ जा रहा है, ठीक है बस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। अब यार एक थोड़ा दिमाग लगाओ, यहां से तुम्हें पूछा जाए मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो यार मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लेंगे, ठीक है ना। अगर दोनों में रिलेशन निकालना है मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या होगा, जितना कॉमन लिए इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोग बोल सकते हैं कि मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। ओके तो एन इक्वल टू क्या आ गया, एन इक्वल टू आ गया मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एमएफ का, ठीक है बस कोई दिक्कत नहीं है। अब यार ये तुम्हारा आ जाएगा रेशियो जो आ जाएगा। अब हमें कभी भी मान लो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो एम्पिरिकल फॉर्मूला में अगर हम लोग एन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल मान लो एग्जाम्पल देखते हैं, ओके मान लो हमें दिया हुआ है एम्पिरिकल फॉर्मूला एनओ टू दिया हुआ है, एनओ टू का और एन का वैल्यू टू दिया हुआ है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा एनओ टू का ट्वाइस क्या हो गया एन टू ओ फोर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो छापो, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट सेम होगा तो उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है ना बॉस। ओके जो इसके नॉमिनिकल है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है।